हेलो एवरीवन, स्टैटिक जीके का एक छोटा सा टॉपिक है शास्त्रीय भाषाओं का। इस वीडियो छोटी वीडियो में हम देखेंगे क्लासिकल लैंग्वेज से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आपका एग्ज़ाम CHSL का हो, CGL का हो, MTS का हो। इस छोटी सी वीडियो के अलावा और कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्लासिकल लैंग्वेज से। इस छोटी सी वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती हैं, और क्लासिकल लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट किया गया है। कौन कौन सी हैं? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। तमिल को घोषित किया गया था 2004 में और ये सबसे पुरानी है। संस्कृत को घोषित किया गया था 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में। सबसे नई जो घोषित की गई थी वो ओडिया है। और इसको लर्न करने की एक ट्रिक है TSKTMO, जिसको मैंने अपने हिसाब से बनाया था लर्न करने के लिए। T फॉर तमिल, S फॉर संस्कृत, K फॉर कन्नड़, T तेलुगु, M फॉर मलयालम, O फॉर ओडिया। और जो एक अभी न्यू घोषित करने की बात की जा रही है, 93rd जो एडिशन हुआ था अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें डिमांड की गई थी कि जो मराठी है उसको 7th क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको हमने क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में सब कुछ, जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा, उसके बारे में हमने सब कुछ बता दिया है। थैंक यू।